हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार टेक्स एंड कैसे आप सब। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, एक छोटी सी अपडेट होने वाली है टाटा पंच के रिगार्डिंग। टाटा पंच जब से लॉन्च हुई है तब से इस कार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है अपने सेगमेंट में। कई मंथ्स वैसे भी गए हैं जिसमें टाटा पंच ने अपने सेगमेंट को रूल किया, बट स्टिल फिर भी लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन है टाटा पंच को लेकर। कई लोगों का मानना है कि टाटा पंच का इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड है और कई लोग मान रहे हैं कि टाटा पंच काफ़ी अच्छी माइलेज नहीं निकाल के देता। तो जिन लोगों को टाटा पंच की माइलेज से कंसर्न है उन लोगों को बता दें कि उन लोगों की प्रॉब्लम जल्द ही दूर होने वाली है, बिकॉज टाटा पंच लॉन्च करने वाला है 2022 में अपने ईवी एंड सीएनजी वेरिएंट। सो ये दोनों वेरिएंट आपको इस बार 2023 के ऑटो एक्सपो में देखने को मिल सकते हैं। जहाँ बात की जाए इलेक्ट्रिक वेरिएंट की, तो इलेक्ट्रिक वेरिएंट को कंपनी ने अल्फा प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया है। बात की जाए इलेक्ट्रिक वेरिएंट की प्राइसिंग की, तो इसके प्राइसिंग स्टार्ट हो सकते हैं समवेयर बिटवीन 10 to 15 lakh, एंड इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट हो सकती है सितंबर टू नवंबर। अब बात करते हैं कार के सीएनजी वेरिएंट। तो कंपनी ने सीएनजी वेरिएंट को मिड ऑफ अगस्त के आसपास लॉन्च करने का प्लान किया है, और इस सीएनजी वेरिएंट का स्टार्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है बिटवीन 7 to 8 lakhs, और इसकी एक्सपेक्टेड डेट लॉन्च हो सकती है इन बिटवीन अगस्त टू सितंबर। सो गाइस, आप भी दोनों वेरिएंट्स का वेट कर रहे हैं? अगर आप वेट कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।